अलैकुम गाइस, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा, आज दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक वॉच से रिलेटेड हैं। जो मेरे पास मी बैंड वॉच 7 है उसके लिए जो है यूज़ होंगे दोनों प्रोडक्ट्स। ये जो पहला एनवेलप है इसके अंदर हमारे पास वॉच का प्रोटेक्टर है जो हम अपने वॉच को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ इन्होंने दो तरह के स्टिक्स दिए हुए हैं। एक वेट वाइप है, एक ड्राई वाइप साथ में दिया हुआ है इन्होंने, ताकि आप उसमें से डस्ट और बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनको साफ़ करके उसके बाद आप इसको प्रोटेक्टर को आप यूज़ करें। तो ये तो उसको रखते हैं साइड पे। और दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो प्रोडक्ट है ये एक वॉच बैंड है। मी वॉच 7 का मैंने बैंड ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा कि इसको अनबॉक्स करेंगे, इसको देखेंगे और इसकी क्वालिटी देखेंगे कि क्वालिटी इसकी कैसी है। तो एक रिव्यू सा भी हो जाएगा कि ओवरऑल ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि ये परचेज़ करके देखते हैं, और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देता है वॉच में। तो ये मैंने बाय किया, ब्लैक कलर में है, और ये स्टेनलेस स्टील में, उन्होंने बताया कि स्टेनलेस स्टील में है ये। तो इसको भी हम चेक करेंगे अनबॉक्स करके। ये इन्होंने उसके जो डिफरेंट हुक्स हैं बैंड को छोटा या बड़ा करने के लिए उन्होंने दिए हुए, कि आप उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको आप निकाल के उसको आप अपने रिस्ट के हिसाब से उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये मेरा बैंड है, और इसको अभी जो है ना हम इसके स्ट्रिप्स को चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके लिए जो हमारा बैंड है उसको उधर क्लोज़अप में देखेंगे कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है और उसके लुक्स कैसे हैं। ओवरऑल जो बैंड है उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, और कोई ऐसे इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम लुक इसका नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकता मैं, क्वालिटी बस बेहतर ही है, मतलब मीडियोकर लेवल की क्वालिटी आप कह सकते हैं इसको। तो कुछ ज़्यादा मैं इससे इम्प्रेस नहीं हुआ इसकी क्वालिटी से, तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं रहा। तो ये इसका जो प्लास्टिक उसको रैप हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे इससे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे इसके साथ क्या करना है। तो अभी जो हमारा ओल्ड बैंड है उससे हम जो है रिमूव करेंगे वॉच को, और उसमें थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स आए हुए हैं, इसको हम जो है ना वो क्लीन करेंगे अच्छे से, और जब ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा फिर हम इसको जो है वो न्यू वॉच स्ट्रिप के अंदर जो है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसको, और इसकी जो डिफरेंट हुक्स हैं जिससे जो है ये इसका स्ट्रिप बनता है, वो मैंने अपने रिस्ट के हिसाब से उसको मैंने छोटा कर लिया है, और ये उसके एडिशनल हुक्स हैं। इनको आप अपने साथ सेव करके रख सकते हैं, कभी अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें या कोई हुक आपका रिमूव हो जाए या गिर जाए टूट जाए तो आप यहाँ से इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है इसका लुक हमारे सामने आ जाता है, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी ख़ूबसूरत सा जो है ना इसका लुक आ रहा है, मतलब बहुत काफ़ी प्रोफेशनल लुक है। अगर आप कहीं मतलब ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे आप प्रोफेशनल वॉच देखना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना स्ट्रिप को आप इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई इसका लुक निकला है, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत सा लग रहा है। सेकेंड जो मतलब था जिसके अंदर हमारे पास प्रोटेक्टर था, अभी हम ये इंस्टॉल करके देखेंगे कि कैसे हमें इसको इंस्टॉल करना है और कैसे ये जो है ये काम करता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये
दो तरह की वाइप्स हैं, वन ओ टू जिसमें मेंशन किया है कि पहले आपने वन यूज़ करना है फिर सेकंड यूज़ करना है, और मैंने 5 प्रोटेक्टर्स ऑर्डर किए थे और काफ़ी अच्छे और काफ़ी चीप मुझे अवेलेबल मिल गए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लोकल मार्केट से ये प्रोटेक्टर नहीं मिल रहे थे, तो ये मुझे वहाँ से ऑनलाइन बाय करने पड़े और काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये, और ये भी इसके वाइप्स हैं, हमने इसको देखना है, फर्स्ट हमने जो वाइट वाइप है उसको यूज़ करना है और उसके बाद हमने जो है वो ड्राई वाइप को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसका रैपर रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक किया हुआ है इसको, वाइप को जो है ना आपने निकाल के आपने इसके ऊपर रब करना है, और जैसे आप इसको रब करेंगे तो ये इसका जो सरफेस है वो उसके जो लिक्विड है या एडिसिव है उसके साथ जो है ना वो वेट हो जाएगा, और फिर आपने इसको ड्राई वाइप के साथ जो आपने इसको ड्राई कर देना है ताकि उसके ऊपर उसके किसी तरह का रेजिड्यू जो है उसके ऊपर रहे ना। तो ये आपने ख्याल करना है कि वो जो वेट वाइप है वो सूखे ना, उससे पहले आप उसको ड्राई वाइप के थ्रू जो है उसको ड्राई कर लें, और किसी तरह का भी डस्ट पार्टिकल या रेजिड्यू जो है वो उसके ऊपर ना रहे। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतनी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अच्छी तरह से आपने इसको साफ कर लेना है। फिर आपने कोई एक प्रोटेक्टर उठा के और इसको जो है आपने किसी तरफ से भी आप उसको जिस तरफ से आपको ईजी लगे अप साइड डाउन लगाएं या डाउन साइड आप लगाएं, जिस तरह से भी आपको जो है ईजी लगता है आप उस तरह से जो है ना इसको आप लगा सकते हैं। आपने इसको उसके बिल्कुल एच पे रखना है, और उसके बाद आपने उसको जैसे ही आप उसको प्रॉपर तरीके से एच पे रख लेंगे ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा नीचे तक, और जस्ट आपने उसको रिमूव कर देना है उसके पेपर को, और वो खुद ब खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगा उसके, और उसके बाद फिर आपने एयर बबल जो है वो उसमें से रिमूव करने हैं। कोशिश करें कि जितना ही बेहतर तरीके से आप उसको एजेस पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से ये साइडों पे और फिर नीचे बॉटम पे जो है ये बैठेगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा ऊपर लगा देंगे तो नीचे का एरिया रह जाएगा, और अगर बहुत नीचे लगा देंगे तो वो नीचे वाला एरिया काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो अपर एज है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपने उसको उसके जो प्रोटेक्टर है उसको और बॉडी को अलाइन कर देना है, और साथ साथ फिर आपने उसके साथ जो है उसके जो एयर बबल्स हैं वो आपने उसके साथ रिमूव कर देने हैं उसके। और जब आप उससे कम्प्लीटली तौर पे आप इसके एजेस को और साइड एजेस को सबको आप इसके बबल्स को रिमूव कर दें, फिर आप इसके साथ जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है आप उसको रिमूव कर लें, और ये आपका जो प्रोडक्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं, बहुत इजी प्रोसीजर है, आप घर में ख़ुद भी लगा सकते हैं इसको। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह की फर्दर वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपकी कीमती टाइम के लिए शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह फॉलो करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।